हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि कैसे हम कई आसान तरीकों को अपनाकर हम उम्र भर हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन गाइस, इस रूटीन को आप सबको हमेशा हमेशा के लिए फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं करते तो मेरी बनाई रूटीन का कोई मतलब ही नहीं है। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस रूटीन को क्यों फॉलो करूँ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका सोचना भी बहुत सही है। मुझे पता है गाइस कि किसी के बातों पर इतना जल्दी विश्वास करना आसान नहीं होता, मगर गाइस मैं इस पर काफ़ी समय तक रिसर्च किया हूं और ये रूटीन मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि 80% लोगों पर काम किया है। तो चलिए हम जानते हैं इस रूटीन में क्या क्या समावेश किया गया है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो रूल नंबर 1 में गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गाइस, सुबह में उठना एक रामबाण औषधि है। अगर आप सुबह में 4 या 5 बजे उठते हैं तो अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। सुबह में उठने से हमारी शरीर एकदम फिट और हेल्दी रहती है और हमारा टाइम भी बचता है। तो देर किस बात की है, आप सब सुबह में उठना शुरू कर दीजिए। तो रूल नंबर 2 में देखिए गाइस, सुबह 4 या 5 बजे उठकर सबसे पहले आप सबको बाथरूम जाना होगा। बाथरूम से आइए, एक ग्लास पानी में 2 या 3 ढक्कन आंवला जूस लीजिए। गाइस, आंवला जूस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। गाइस, आंवला जूस पोषक तत्वों का भरमार है। आंवला जूस हमारी पाचन को सही करता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन, अपच, खाने में अरुचि इत्यादि की शिकायत है, उनको सुबह उठने के तुरंत बाद आंवला जूस लेना चाहिए। तो रूल नंबर 3 में देखते हैं गाइस, एक्सरसाइज एवरी डे। गाइस, आपको आंवले का जूस सेवन करने के तुरंत बाद 20 मिनट तक व्यायाम करना है। मुझे पता है कि कई लोगों को बैठे बैठे सेहत बनाना होता है। गाइस, मैं बता दूं कि ये एकदम असंभव सी बात है। बैठे बैठे कोई सेहत नहीं बनती, आपको शरीर परिश्रम करना पड़ेगा। इससे आपकी शरीर में खून का बहाव बढ़ेगा और आपकी सेहत बनने लगेगी। तो दोस्तों, आप सबको हर एक दिन एक्सरसाइज करना होगा। तो रूल नंबर 4 में चलिए दोस्तों देखते हैं, डोंट स्लीप इन आ डे टाइम। दोस्तों, आपको दिन में तो बिल्कुल ही नहीं सोना है। गाइस, आपको दिन में नहीं सोना है तो नहीं सोना है। अगर आप दिन में सोते हैं तो आपकी पाचन शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी और आपको बहुत अलसी लगेगा और आपका शरीर सुस्त या ढीला पड़ने लगेगा। तो दोस्तों, आपको दिन में नहीं सोना है अगर आप अपनी अच्छी सेहत चाहते हैं। तो रूल नंबर 5 में देखते हैं गाइज, च्यू फूड प्रॉपरली। मतलब आप जो भी खा रहे हैं, दिन में 2 या 3 बार तो खाते ही होंगे, तो दोस्तों आपको खाना चबा चबा कर खाना है। इससे क्या होगा, खाना अच्छे से रस बन जाएगा चबाने के बाद, और वो रस जो हमारे शरीर में जाके अच्छे से घुलेगा तो हमारे शरीर को लगेगा, और जो भी हम खाएंगे पियेंगे वो सब लगेगा। इसलिए दोस्तों, च्यू फूड प्रॉपरली, आपको खाना चबा चबा के अच्छे से खाना होगा ताकि आपके शरीर में अच्छे से पच सके। तो गाइज, ये थी हमारी कुछ 5 रूल जो हमें दैनिक जीवन में अपनानी चाहिए, और ये 80% लोगों ने इसका बेनिफिट्स लिया है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए अच्छे अच्छे वीडियोज पाने के लिए, जानकारी वाला वीडियो लेने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।